शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या हुआ बिल्लू को पुष्पा जी? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। वो तो हम डीएसपी सर के साथ मीटिंग। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हम डीएसपी सर के साथ मीटिंग। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हम डीएसपी सर के साथ मीटिंग में थे वरना खुद ही हॉस्पिटल चले जाते। क्या हुआ बिल्लू को? ये सब इनकी वजह से हुआ है। कितनी बार कहा है अपने हाथ को काबू में रखिए, किसी दिन किसी पर उल्टा सीधा हाथ पड़ जाए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए बिल्लू को इतना जोर से कंटाप लगाया ना कंटाप क्वीन ने कि वो बेचारा बेहोश हो गया, उसको अस्पताल लेके जाना पड़ा। क्या? एक मिनट, एक तो आप भूल रही हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं और हम आपके सीनियर हैं। दूसरी बात, बिल्लू को हम रोज कंटाप लगाते हैं, आज ऐसा क्या हो गया कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया? नहीं पर अभी तो बेहोश हो गए ना, आगे पता नहीं क्या होगा। और नहीं तो क्या? हाँ कहीं मर मुरा जाता तो। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो तुम दोनों। करिश्मा सिंह जहाँ तक बात गुंडे बदमाशों की है ठीक है हम समझते हैं, लेकिन आप बिना वजह किसी को भी अपना कंटाप लगा देंगी? सोचिए खुदा ना खास्ता अगर किसी की कोई नस दब गई या अगर कोई सीरियस इंजरी हो गई तो कौन लेगा जिम्मेदारी? आप लेंगी? नहीं ना? तो उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कैसा है बिल्लू? टेस्ट किया है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा हुआ क्या है उसे, किस वजह से वो बेहोश है। फिलहाल तो उसको अस्पताल में ही रखा है आराम करने के लिए। अयो अम्मा, तुमने बुलाया, मैं इधर। जय हिंद। जय हिंद। जय। एक मिनट, ये यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया? हमने। काहे? मैडम सर ये ऐसे खुलेआम घूमेगी तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे दो दो करिश्मा सिंह घूम रही है, एक भौकाल और एक लचीली ढाल। ये गड़बड़ हो जाएगा मैडम सर, आप समझिए बात को, इसका ऐसा घूमना ठीक नहीं है सर। यहाँ लोग जो आएंगे केस लेकर नहीं आएंगे, दो जुड़वा बहनों का नौटंकी देखने आएंगे, समझिए आप। हम समझ रहे हैं, हम सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि करीना की प्रॉब्लम भी तो जेन्युइन है ना, उसे भी तो सॉल्व करना होगा। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। देखिए वो यहाँ क्यों आई थी, उन्हें फिल्म में काम करना है, फिल्म में उन्हें दबंग पुलिस ऑफिसर का रोल अदा करना है, उसी की तो ट्रेनिंग आप इन्हें देने वाली थी ना। आपने तो उसे ट्रेनिंग दी नहीं। अब कल से जो है करीना की शूटिंग है, अब सोचिए वो जाएगी कल फिल्म के सेट पर, एक्टिंग करेगी और अगर इतना खराब परफॉर्म किया उसने और उसके हाथ से फिल्म निकल गई तो ये सदमा तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। तो मैडम सर तो इस प्रॉब्लम का हमने एक सोल्यूशन निकाला है जिससे इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दो दो करिश्मा सिंह है। अयो अम्मा, मंजूर है। अरे पहले सुन तो लो। हाँ क्या मैडम से, क्या सोल्यूशन निकाला आपने? सोल्यूशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी जिएंगे। का जी? आप करीना बनकर जाएंगी फिल्म के सेट पर, एक्टिंग करेंगी दबंग पुलिस ऑफिसर होने की, फिल्म में काम करेंगी और यहाँ पर करीना जो है आपकी वर्दी में करिश्मा सिंह कड़क पुलिस वाले की तरह केसेस सॉल्व करेंगी, ड्यूटी करेंगी। मैडम सर, अयो अम्मा क्या आइडिया निकाला, एकदम माइंड ब्लोइंग, सुपर फैंटास्टिक। अयो सुंदर सीनियर, अब देता ले। नहीं मैडम सर, हमने आज देखिए क्या है करिश्मा सिंह, अब हमने बहुत सोचा पर इसके अलावा और कोई सलूशन है ही नहीं। नहीं पर आना चाहिए ना करने के लिए, हमको नहीं आता है एक्टिंग, हमने आज तक कोई विज्ञापन नहीं देखा तेल का पूरे तरीके से टीवी में, मतलब आप समझ रही है ये असंभव है हमसे, अभिनय करना नहीं होगा हमसे। अरे अभिनय एकदम आसान आसान है, अभिनय हम सिखा देंगे ना आपको, आप क्यों चिंता कर रही है? तो बिल्कुल नहीं होगा। अयो करी अम्मा, तुम इतना टेंशन क्यों करता, तुम तो जैसा है ना वैसे ही वहाँ पे जाके खड़ी हो जाना। अब बाकी एक दो डायलॉग वो तो मैं तुमको बता देगा, हो जाएगा, नो वरी। हाँ बिल्कुल, देखिए हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, और कोई परेशानी नहीं मैडम सर। पर देखिए क्या है करिश्मा सिंह, आप ही ने कमिटमेंट दिया है ना, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितनी पक्की है। मैडम सर ये इट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर? ऑर्डर तो मानना पड़ता ना। डिसमिस। डिसमिस बोला। चलो। मैडम
मैडम सर बहुत मजा आएगा, मतलब इन्हें अभिनय तो हम सिखा देंगे, मगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई? मतलब कैसे एक दूसरे की जिंदगी जी पाएंगे? हाँ मैडम सर, दोनों लोग एक दूसरे से कितना विपरीत है। हाँ सीता गीता, एक शूल तो दूसरा गुलाब का फूल। हाँ एक चंद्रमुखी दूसरी ज्वालामुखी। एक नाजुक सवाल तो एक खतरनाक भौकाल। कैसे कैसे होगी ये अदला बदली मैडम सर? होगी पुष्पा जी, जरूर होगी। आप सबने एक बात नोटिस की, करीना और करिश्मा दोनों एक दूसरे की प्रोफेशन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। करीना के लिए करिश्मा सिंह की वर्दी, उनकी ड्यूटी, उनका जज्बा बस एक धांसू रोल जितना है, और करिश्मा सिंह के लिए करीना की फिल्म दुनिया का सबसे बेमतलब फालतू काम है। यही है परेशानी। जब ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी जिएंगे ना, तब इन्हें एक दूसरे के प्रोफेशन की वैल्यू समझ में आएगी, समझ में आएगा कि सामने वाले का काम कितना मुश्किल है, और यही है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद। हाँ लेकिन प्लीज ये बात थाने के बाहर नहीं जानी चाहिए। पुष्पा जी हैं, पता है मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक दूसरे का जूता पहनने के बाद ही पता चलता है किसका जूता कितना काटता है। बस दुआ कीजिए कि आपका ये जो प्रयोग है ना, वो उल्टा ना पड़ जाए, इनका रिश्ता सुधरने के बजाय और बिगड़ ना जाए। वाओ करीना जी, क्या बाइक चला रही हैं? सच में संतु जी, मतलब लोग बाइक चलाता है तो उनका बाइक हवा से बात करता है, ये तो हवा को बुला ली है अपने बाइक से बतियाने के लिए। गजा। कैसा लगता मैं? हटो। कैसा लगता मैं? लगता ना एकदम टाइट नारियल ऑफिसर करिश्मा सिंह जैसा? ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा ही होता गुरुजी। हाँ हीरोइन ऐसा ही बाइक चलाता फिल्म में। फिल्म में चलाता? हाँ असल जिंदगी में नहीं चलाता। हाँ। ये अम्मा क्या बात करता? मतलब असली पुलिस जो होती है ना, वो असली बाइक चलाती है, तभी तो मुजरिमों को पकड़ सकती है ना। यहाँ हमारी जिंदगी में असली पुलिस, असली वर्दी, असली बंदूक, असली चोर, असली मौत, असली खतरा होता है, और असली थप्पड़। और वैसे भी ये बाइक जो है ना, करिश्मा मैडम की स्टाइल और भोकाल की आइडेंटिटी है। और क्या, आपको पता है जब यमराज अपने रथ पर और करिश्मा मैडम अपने जंगी जहाज पर निकलती है ना, तो लोग का जान से थर्र करके कांपता है। ओके तो फिर मैं भी रियल बाइक चलाना सीखता, मैं भी सबका प्राण कपाएगा, मैं भी रियल बाइक चलाएगा बहुत जल्दी, सून सून सून। एक कोकोनट वाले ना, मेरे लिए जूस मंगाना। हाँ मेरे अंदर बहुत प्यास। क्या प्यास है? शुश शुश, ऐसा नहीं कहते हैं, मेरे अंदर बहुत प्यास ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते कि हमें बहुत प्यास लगी है। एक सेकेंड, और ये कोकोनट वैनिला ये क्या होता है? अयो अम्मा, तुम आइसक्रीम की तरह एकदम सॉफ्ट और स्वीट है ना, इसलिए आज से तुम्हारा नाम वैनिला। जूस मंगाना प्यास। मंगा दो मंगा दो, अब मैडम सर का ऑर्डर है ना अदली बदली का। क्या चुप करो तुम दोनों, तो अब इन्हें करिश्मा सिंह मानना पड़ेगा ना हमें। मंगा दो जूस मंगा। लेकिन मुझे वेनिला नहीं स्ट्रॉबेरी पसंद। अरे तो तुम्हारे लिए बाद में मंगा लेंगे ना, वो भी पहले ये मंगा। बाप रे बाप, तुमको तो इस बात का टेंशन हो रहा है कि यहाँ पर जब ये हाल है तो वहां पर करिश्मा मैडम का क्या हाल हो रहा होगा। चलो शुरू करो, 1 2 3 4, 1 2। यही आक्रोश, यही जुनून, यही तड़प चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। कैन बस यही मूड पकड़ करके रखना। क्या मूड बनाए रखे, मूड की मैया। अम्मा ये क्या है, ये इतना सब टाइट टाइट हो गया, इतना टाइट ड्रेस, ये क्या है भाई?
इतनी टाइट ड्रेस? पता नहीं सर, लास्ट शेड्यूल में भी मैम ने यही कॉस्ट्यूम पहने थे ना। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये काहे पहना दिया हमको। हमको बोला गया था पुलिस वाले का रोल है ना, उसमें पुलिस का वर्दी होगा, थोड़ा डायलॉग मारना होगा हमको, एक्शन वैक्शन होगा, ये सब होगा, ये क्या पहना दिया हमको? हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बाद में करेंगे ना मैडम, अभी तो पिछले डांस नंबर का पेंडिंग पोर्शन और पैचमेंट निपटाना है। अम्मा पर आप बात प्लीज 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 मैडम, आज बस इस ड्रेस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूटी मैच करनी है। चलिए मैडम, है ना, सब लोग रेडी? एक मिनट, हम इंसान है, हम मकान नहीं कि लीपा पोती चल रहा है कितने देर। थोड़ा रुकिए ना, घुटन हो रहा है हमको। सॉरी, हाँ थोड़ा एकदम हवा आने दो, थोड़ा शांति। एंजॉय एंजॉय, एवरीवन रेडी? हाय कैरी, हाउ आर यू? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कबड्डी खेल रहे हैं हमारे साथ? I'm just saying hi to you, Carrie. और क्या कैरी? Come on, Kareena. हाँ तो ठीक है ना, आप दूर से भी तो कह सकते हैं, और नमस्ते करके भी होता है हाय हेलो। मतलब किसी के प्लॉट पे कब्जा करने का जरूरत नहीं है भैया। भैया? सीरियसली कपूर, व्हाट इज दिस मैन? ये मुझे भैया बुला रही है, अपने हीरो को भैया बुला रही है, वो भी एक हॉट रोमांटिक सीन से जस्ट पहले। सारे मूड का ना भजिया कर दिया। अरे समझा करो यार, कैरेक्टर में है, दबंग दरोगा का कैरेक्टर है, कसके पकड़े हुए है। अरे लेकिन ये तो ड्रीम सीक्वेंस है ना यार। यही तो कमाल है स्क्रिप्ट का बड़ी, कि ड्रीम सीक्वेंस में भी कैरेक्टर नहीं छोड़ रही है। कमाल कमाल, चलो शूट करते हैं। एवरीवन रेडी? चलो रेडी रेडी। अच्छा करी करी, और उसके बाद उसी एंगल में हीरो की एंट्री होगी, ठीक है? उसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे, ओके? चलो चलो गाइस रेडी, मोड 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 मोड, ओके, रोल, साउंड, एक्शन। कट 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 कट। ये क्या कर रही है तुम करी? मैंने क्या कहा था तुमसे? ये से, हाँ इस तरीके से नहीं, तुम पूरा घुमाओगे तो कैसे चलेगा? सिट सिट, सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं? हाँ। अभी हमने देखा है क्या है जिंदगी में? नहीं मतलब अभी हमारी उम्र ही क्या है, मतलब ये भी कोई हस्ती खेलती उम्र है हमारी, थोड़ी ना ऊपर जाने की उम्र है। तो तुम पहले बाइक सीख लो, फिर हम बैठते हैं ना। नहीं नहीं, Why you worry when I'm there? मुझे इतना बाइक चलाने आती कि मैं तुमको गिराता नहीं। थोड़ा भरोसा, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं, ट्रस्ट तो है, मगर क्या है, अभी हमने पोते पोती का मुंह नहीं देखा ना, इस महीने के इंश्योरेंस का किश्त नहीं भरा, तो इसलिए फिर वो भर के फिर बैठे। हाँ, It's an order. Sit. है, है, अपनी बहन की तरह तुम भी रॉब झाड़ने लगी हो अब। It's an order. देखो हम बैठ रहे हैं, अच्छे से चलाना, गिराना मत। Trust me, trust me. अभी हमारी उम्र नहीं है लल्ला के पापा के पास जाने की। ओके हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, अरे आराम से आराम से आराम से। समझ में आया गर्ल्स? समझा? चलो चलो वन मोर करेंगे, चलो जल्दी से चलो। एनर्जी गाइस, रोल रोल रोल, साउंड एक्शन। कट 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 कट, अरे अंदर बाहर नहीं करना है, पूरा गलत हो रहा है, पूरा गलत हो रहा है। एक 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 मिनट एक मिनट, मैं अभी आती हूँ, मैं भी आती हूँ, एक मिनट दीजिए बस। करिश्मा सिंह? हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर, मैडम सर कहाँ फंसा दिया हमको? हमको बोल रहे हैं कि कमर मटकाओ। कैसे मटकाए कमर? जिस इंसान ने सिर्फ कमर तोड़ी है आज तक, वो कैसे मटकाएगा? हमसे नहीं हो रहा मैडम सर, हम ना वापस आ रहे हैं सच। नहीं नहीं नहीं, नहीं करिश्मा सिंह देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आप वहां से चली गई तो करीना के हाथ से फिल्म निकल जाएगी, और वैसे भी आपको मुश्किलों से कब से प्रॉब्लम होने लगी? आपको तो चैलेंजेस पसंद है ना? हाँ हमको चैलेंजेस पसंद है मैडम सर, लेकिन चैलेंजेस ही पसंद है। आप हमें 50 कुंडों के सामने छोड़ दीजिए, सबको मार के बाहर निकलेंगे, वैसा चैलेंज पसंद है। ये लचकीले ये सब नखरे ये नहीं होते हैं मैडम सर हमसे, आप समझिए प्लीज। होंगी होंगी, बिल्कुल होंगी, सिर्फ डांस ही तो करना है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हम करके दिखाते हैं, रुको। ठीक है मैडम, मैडम से एक मिनट, हम देख रहे हैं आपको, हम करके दिखाते हैं। ये देखिए,
ठीक है, कितना आसान है ये देखिए। कीजिए कीजिए, करके दिखाइए जैसे हम कर रहे हैं। नहीं मैडम सर, हम समझ रहे हैं लेकिन वो ऐसे नहीं सिखा रही है, वो कुछ बोल रही है ऐसा ऐसा करो ऐसा। हाँ बस यही 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 करना है, करी एकदम करेक्ट कर रही हो तुम। वेरी गुड, चलो आजा टेक कर। हाँ धन्यवाद, आ रहे हैं। हाँ मैडम सर, हम जाते हैं अभी। आप अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्लान से दोनों बहनों के बीच की दरार खत्म हो जाएगी। आयो अम्मा, कोई हमारा बात नहीं सुनता। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनता, करिश्मा सिंह वो दिखाओ अपना भोपाल ऐसा। हाँ एक्शन बोलो, एक्शन बोलो, एक्शन लाउडली बोलो। एक्शन अम्मा, हटो तुम्हारी मैया की, फिर मत बोलना कि दरोगा जी देखे तो बात, मगर तुम सानो देख। हटो 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 अम्मा, लग रही लग रही लग रही अम्मा, हटो सामने से हटो अम्मा, लग लग जाएगा गिर जाओगे, हटो हटो। एक मिनट, तुमको दिखता नहीं मैं कितना बोला हट हट हट, हटता नहीं मेरी बाइक के आगे, खो खो खेलता तुम। सब वाइड वाइड आंख करके मेरे को क्या देखती, मेरे को काएगा क्या? हाँ अरे चुप करो ना, चुप कर। देखो मेरे को ऐसा स्टेयर नहीं करना, मैं तुम्हारी कोपड़ी को नारियल की तरह छील देगी। पर मैं वो कैसे छीलेगी, वो पहले से छिली हुई है। करिश्मा सिंह, अरे तो आपने हमारा समोसा गिरा दिया, ऊपर से हमारे ऊपर गाड़ी टकरा दी, सीधा सीधा चढ़ा दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, किससे कैसे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमको हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। जाइन 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 सर जाइन। अरे पुष्पा जी आप समझ रही हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप चुप रहिए बस। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आधे घंटे के अंदर इनको हमारे कार्यालय में लेकर आइए, हम वहीं इंतजार करते हैं। नहीं नहीं सर, चुप रहिए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। कैसे से राजमा चावल बनाया आपने? हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक, तुम्हारी तुम्हारी वजह से हमारी भी लाइन हाजिर हो गई। अयो मेरी वजह से, तुम्हारा वजह से। पुष्पा जी करीना ये सब क्या है, क्या किया ये? मैडम सर कुछ कीजिए कुछ कीजिए, करिश्मा जी को पता भी नहीं कि ये फुलझड़ी उनकी नौकरी खाने वाली है। ये क्या क्या नौकरी? हाँ मिस मलिक। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। आप बड़े सही समय पे आई हैं मिस मलिक, हम आपको डायरेक्ट खुशखबरी देते हैं, आपकी सहकर्मी करिश्मा सिंह, इनको हम लंबा सस्पेंड करने वाले हैं। अपने सीनियर के साथ बदतमीजी और अपमानजनक शब्द कहने के एवज में। वेरी बैड डीएसपी सर, मतलब हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी डीएसपी सर, हमें लगा था कि कोई और समझे या ना समझे आप तो इस बात को समझ जाएंगे कि करिश्मा सिंह ने आपके साथ पब्लिकली ऐसा बिहेव क्यों किया, हमें लगा था कि आप समझ जाएंगे। तो ठीक है, हम नादान हैं, आप हमें समझाइए। मतलब सर पुलिस पब्लिक एक समान एक परिवार, ये दरअसल हमने महिला पुलिस थाने की तरफ से एक नई मुहिम शुरू की है, ये उसी का स्लोगन है। दरअसल हम आम जनता की नजरों में पुलिस की छवि को और बेहतर और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, ताकि लोग आसानी से आए और अपनी परेशानियां हमें बता सके। हाँ हाँ हाँ, यही कि चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर सड़क पर चलता हुआ आदमी या फिर खुद डीएसपी साहब क्यों ना हो, सबके साथ एक समान बर्ताव किया जाएगा। इसीलिए जब आप करिश्मा सिंह की बाइक से टकराए, उनकी बाइक हमसे टकराई जी, जब इनकी बाइक आपसे टकराई तो उस वक्त आसपास बहुत सारे लोग थे ना, आते जाते लोग देख रहे थे, इसीलिए इन्होंने जानबूझकर आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, ताकि ऐसा ना लगे कि अरे पुलिस है इसलिए अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसे आम लोगों के साथ ये बर्ताव करती है वैसे ही बर्ताव इन्होंने आपके साथ भी किया। हाँ हाँ। अच्छा मतलब आम शहरी के साथ इस तरह से बात करते हो, इतनी अभद्रता से? नहीं नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं, मतलब माफ कीजिएगा हम ऐसे बीच में कूद पड़े हैं। देखिए क्या हुआ ना कि आप करिश्मा जी से टकराए। अरे ये हमसे टकराई? हाँ वही कह रहे हैं हम, करिश्मा जी आपसे टकराई, क्योंकि आप डीएसपी हैं, शहर के डीएसपी बड़े औहदे वाले हैं, तो इसलिए वो आपके साथ ऐसा उन्होंने बर्ताव किया। अगर वहाँ पे कोई आम जनता होती तो बहुत प्यार से पेश आती,
आप पुलिस वाले हैं, बड़ी पोस्ट के हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा बर्ताव किया ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, ये संदेश पहुंचे कि अगर 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 पुलिस अपने सहकर्मियों के साथ भी अगर ऐसा बर्ताव कर सकती है तो चोर उच्चकों के साथ, अपराधियों के साथ तो कैसा बर्ताव कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही सर, कि आप यही यही बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि सर आप ये सोचिए कि जब लोगों को पता चलेगा, जब मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात फैलेगी कि खुद डीएसपी सर ही हमारी इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचिए पुलिस की छवि रातों रात कितनी अच्छी हो जाएगी, बदल जाएगी, कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। सर सर सोचिए सर कि लोग पुलिस के बारे में कितना अच्छा सोचने लगेंगे, आप ये सब सोच के देखिए ना सर। अगर डीएसपी सर नहीं माने तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और करिश्मा सिंह अपनी बहन के साथ क्या करेंगी वो तो हम भी नहीं जानते।